कि जहां पर हिमालय दिवस के मौके पर सेव सिंकिंग हिमालय मूवमेंट विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी का उद्घाटन यशोधर मठवाल ने किया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के तमाम वैज्ञानिकों के साथ देश भर से आए विशेषज्ञों ने अपनी राय दी। भवन में आयोजित इस सेमिनार के दौरान विशेषज्ञों ने कहा कि हिमालय न सिर्फ पिघल रहा है बल्कि यहाँ की संस्कृति और पर्यावरण भी खतरे में है। वक्ताओं ने कहा कि भौतिक क्षरण से हिमालय को नुकसान झेलना पड़ा है। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। अगर हमने इस देश में सही से अगर हम जनसंख्या का विस्थापन करने की नहीं सोची तो भी बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। और हिमालय को बचाने का मतलब जब तक जन और जीवन और उसकी जीविका नहीं बचाई जाएगी उसका कोई अर्थ नहीं है। ये भी कहना चाहता हूँ कि हिमालय वासियों को एकजुट होना पड़ेगा पूरे देश की, और पूरे देश का हम आजीविका का, शुद्ध प्राण वायु का, शुद्ध जल का पोषक हम हैं, तो उनकी चिंता ज़्यादा होनी चाहिए। हम इसको सड़क से संसद तक अपनी लड़ाई को हमको बनाना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि पूरे इस हिमालय क्षेत्र में जिसका ज्योग्राफिकल एरिया 16 से 17% है, हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व इस देश की संसद में केवल 7% है।